Hello friends, I am Vishal Gupta and I am from HFC Limited. So हमें क्या करना है कि UVR link establish करना है, जिसमें हमारे पास दो UVR और एंटीना 25 dBi का एंटीना, डिश एंटीना और एक AC पे एक DC पे दो IIM के चाहिए हमको इस टाइप के। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। एंटीना हमारे बॉक्स है, इसमें हमारे 225 dBi का एंटीने हैं, जो पूरा एक सेट है। इसके लिए ऐसे दो फीड आएंगे, दो एंटीना फीड आएंगे, ये हमें जरूरत पड़ती है एंटीना 25 dBi के फीड आएंगे। और ये दो डिश हैं, ये दो डिश हैं इसकी, तो एक ये डिश, ठीक है, उसमें दो ये पोल क्लैंप के साथ के लिए हैं और ये दो माउंटिंग किट हैं, ये दो माउंटिंग किट। तो मैं अभी एंड इसमें ये जो माउंटिंग क्लैंप है, पोल क्लैंप, इसमें 2 बोल्ट्स माउंटिंग क्लैंप, पोल माउंटिंग क्लैंप एंड ये एक ये बोल्ट है एंड ये स्पेसर्स हैं, मतलब इंसुलेशन किट है ये आपकी, जिसमें आपके काफी पार्ट्स हैं। ये ब्लैक टाई है, ये व्हाइट टाई है और इसमें वेदर प्रूफ और टेप है, इसमें इथरनेट कनेक्टर्स हैं, इथरनेट कनेक्टर्स एंड माउंट्स एंड ये आपके लक्स एंड स्क्रू, ये आपके आयरन फिट। ये यूवीआर रेडियो है हमारा, इसमें आपका एक बॉक्स है, इस बॉक्स को ओपन करके इसमें एक रेडियो है, ये रेडियो है और ये ग्लैंड है और ये स्क्रूज है, तो स्क्रूज, ग्लैंड एंड रेडियो। ये एसी पे हुई है, इस एसी पे, ये देखिए ये एसी पे हुई है, तो इसको हम अनबॉक्सिंग करें तो ये एसी केबल है, थ्री कोर केबल है, ये थ्री कोर केबल एंड ये पीयूई है हमारा, एसी पीयूई। एंड ये मेटल क्लैंप्स हैं, मेटल क्लैंप एंड ये स्क्रू, माउंटिंग स्क्रू। ये डीसी पीयूई है, ये डीसी पीयूई यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी हम ऐसे अनबॉक्सिंग करेंगे जैसे हमने एसी पे की अनबॉक्सिंग किया था। तो इसमें भी आपका इस सेम टू कोर केबल है, ये टू कोर केबल डीसी केबल के लिए और आपका इसमें ये प्यूई है, डीसी प्यूई, ये मेटल क्लैंप है, ये मेटल क्लैंप इसको माउंट करने के लिए एंड ये माउंटिंग स्क्रू है इसको माउंट करने के लिए। एंटीना असेंबल करने के लिए ये डिश है, डिश में एक एरो होता है, ये एरो के अकॉर्डिंग हम सबसे देखते इसमें केबल्स को हम फिट करते हैं और इसको ऐसे करते हैं, इसमें फिट में भी एरो होता है, इस एरो को इससे मैच कर देते हैं, इस एरो को इससे मैच करना जरूरी है, इसके अकॉर्डिंग ये बीम विड्थ को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में असेंबल लगता है। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम अलाइनमेंट करेंगे होल्स को मैच करने के लिए, ये होल्स को हमने मैच कर दिया अलाइनमेंट करके। उसके बाद जब नजदीक हम माउंटिंग किट में हम यूवीआर लगाते हैं, जो यूवीआर रेडियो है ये एल टाइप बना लेते हैं इसको। मैं यूवीआर लगाने को पहले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेते हैं कि यूवीआर का कनेक्टर है वो एंड हमेशा ऊपर आना चाहिए एंड ये पावर यूवी कनेक्टर नीचे आ चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसमें लगाएंगे तो जो हमारा इसमें HFCL है वो HFCL और एरो सही आना चाहिए एकदम, HFCL एंड एरो ये हमारा बिल्कुल ठीक आना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको
ऐसे ही लाऊंगा ये। ये बोला था कि यूवीआर हम इसलिए देख लेते हैं कि यूवीआर में एंटर टैक्स हम ऊपर आना चाहिए एंड जो पीओई पोर्ट है वो आपका नीचे करना चाहिए। उसको बाद हम इसको उठा के देखेंगे तो हमारा ये देखिए अटीना बिल्कुल सीधा है। अच्छा सीएल लोगो एकदम सीधा है ऊपर को अप साइड में है। अभी हम क्या करेंगे कि ये अटीना के लिए हम पोल माउंट पोल पे लगाने के लिए ये पोल माउंट है। ये पोल माउंट लगाने के लिए हमें ये जो छोटा बोल्ट है इसके साथ में हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे और इसमें बड़ा बोल्ट था तो यहाँ पे यूवीआर लगाएंगे इस तरीके से कुछ समय लगा देंगे। स्पेसर्स हैं ये स्पेसर्स हमारे जो यूवीआर के साथ में अटैच करने के लिए होता है। यहाँ पर स्क्रू साथ में ये इसमें लगा देंगे उसके बाद में हमारे पास तो वी हैव टू स्टार्ट कि हमें ये यूवीआर के साथ में ग्राउंडिंग करना होता है। एक ग्राउंडिंग केबल है इस ग्राउंडिंग केबल को हमें लगाने के लिए एक लग चाहिए होता है। ये लग है इस लग को हम ग्राउंडिंग केबल से बिल्कुल याद रखना है लगाने के लिए माउंट कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये स्क्रू साथ में अटैच करना होगा आराम से। तो ये यूवीआर के साथ में हम हमारे ये जो एंटीना है इसको माउंट करने के लिए ये पोल माउंट है इसको लगाने के लिए हमें ये मैं ये बिल्कुल लगाने के लिए और दूसरा यहाँ पर नट लगेगा बोल्ट लगेगा कि नट लगेगा और ये इस नट के साथ में। उससे पहले ये दो आरएफ केबल्स हैं ये एच है हॉरिजॉन्टल बीम और ये है वर्टिकल ओके। उसके बाद में फिर ये वर्टिकल को हमेशा ये नीचे की साइड में एंड ये हॉरिजॉन्टल का ऐसे ला के ये हॉरिजॉन्टल रेडी हो गया। अभी मेरा ये यूवीआर विद एंटीना नाउ इट इज रेडी। इसको लगाने के लिए हमें ये खोल के इजीली ले लेना है इसको ऐसे ये नट्स को लीक करके ये ऐसे ये लेफ्ट साइड कर एंड उसके बाद में ये आपका ऊपर नीचे कर सकते हैं ऐसे टर्न कर सकते हैं। टर्न करने के बाद में इसके अलाइनमेंट करने के बाद में इसको यहाँ से टाइट कर सकते हैं। जब ऊपर नीचे अलाइनमेंट करते हैं तो इसको ऐसे करके एंड यहाँ से टाइट कर देंगे इस नट से एंड ये आउटडोर पीओई है। ये क्लैंप यहाँ पर और दूसरा क्लैंप भी उसके बाद में फिर इस पीओई को इस पोल के साथ में ऐसे लगा देंगे। अब इस टाइट करते हैं यहाँ पर इस एसी पीओई में ये पीओई पोर्ट है एंड डेटा पोर्ट है। इसका पीओई का कवर है इससे इसको टाइट कवर कर देंगे। इसका पीओई इसके लिए हमारे पास स्क्रू ड्राइवर टाइप करते हैं। ये थ्रेड केबल हमारे पीओई के पावर पोर्ट से आती है पीओई पोर्ट से जो पावर आउट पोर्ट है आपका उसमें से आती है ये और इसको हमें यूवीआई के पीओई पोर्ट आते हैं पावर ऑन वो नहीं दिखा पाए थे।